वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातन धर्म में हर शुभ कार्य की शुभ शुरुआत गणपति बाप्पा के नाम से ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों? हम किसी भी काम की शुरुआत से पहले भोलेनाथ, बजरंगबली, दुर्गा माँ, श्री कृष्णा, श्री राम किसी की भी पूजा नहीं करते, सिर्फ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? माना जाता है कि ये बात एक कथा से जुड़ी हुई है, जहाँ गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय जी के बीच एक प्रतियोगिता हुई। शर्त के अकॉर्डिंग इन दोनों को पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाने थे और दोनों में से जो भी एक कार्य पहले खत्म करता उसे एक दिव्य फल मिलता, एक ऐसा फल जिसे खाने के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और अमरता की प्राप्ति होनी थी। तो जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पे सवार होकर पूरी दुनिया की परिक्रमा शुरू कर दी और तेज गति के साथ पूरी दुनिया के चक्कर लगाने निकल पड़े। पर श्री गणेश ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती के 3 चक्कर लगाए और वापस अपने स्थान पे आके खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इसलिए गणेश जी ने बताया कि मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे माता पिता ही हैं, इसलिए मुझे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धिमता और माँ बाप को सर्वोच्च रखने की वजह से गणेश जी ये प्रतियोगिता जीत गए और वो फल उन्हें प्राप्त हुआ। और उनकी जीत से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान भी दिया कि जब भी संसार में किसी भी देवता की पूजा होगी या कोई भी शुभ काम होगा तो उसमें सबसे पूर्व सबसे पहले श्री गणेश का नाम लिया जाएगा। इसलिए हम आज तक किसी अच्छे काम की शुरुआत करने को श्री गणेश करना कहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने के पीछे कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस भी, कुछ ऐसी बातें जो इस कहानी और प्रतियोगिता से बहुत अलग है, एक अलग रूप और कई सौ अलग अलग मान्यताएं। क्या आपने कभी मूलाधार चक्र के बारे में सुना है? एक मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र टिका होता है इस एक चक्र पे, जिसे हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ये हमारी रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद होता है और ये हमारे हर चक्र को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसे मूल आधार चक्र भी कहते हैं। मूल आधार चक्र अगर इम्बैलेंस्ड हो तो वो हमारी लाइफ में हमारी हर एक एक्टिविटी के अंदर इम्बैलेंस ला सकता है, इसीलिए उसे शांत और स्थिर रखने के लिए श्री गणेश को पूजा जाता है, क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड गणेश इज द गॉड ऑफ द मूल आधार और द रूट चक्र। तो किसी भी चीज की शुरुआत से पहले श्री गणेश को पूजने से डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं, बैलेंस लाया जाता है स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए। ये चक्र एक इंसान के सेक्सुअल डिजायर्स के साथ जुड़ा होता है, ये इंसान के सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और उसे स्थिरता भी देता है। और इसीलिए सनातन धर्म में किसी भी पूजा की शुरुआत ही गणपति के मंत्र से होती है, ताकि पूजा में मौजूद हर कोई स्थिरता के साथ पूजा कर सके। भगवान गणेश के जन्म की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी, पर शिव पुराण में बताई गई ये कथा सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति को जागृत करने की कहानी है, जिससे इंसान अपने जीवन के हर कठिन से कठिन कार्य को संभव कर सकता है। इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। आइए समझते हैं कुंडलिनी आखिर है क्या और क्या है इसकी कहानी। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जिससे एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग और मेमोरी को अनलॉक करने के लिए एक्टिवेट करता है। कुंडलिनी एक इंसान को अनबिलीवेबल शक्तियाँ दे सकती है और कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा जरिया मूलाधार चक्र है। इसकी स्टेबिलिटी, इसको कॉन्शियस करने के एफर्ट्स हमारी कुंडलिनी शक्ति पे सीधा सीधा असर करती है। और गणपति बाप्पा मूलाधार के गुरु हैं, ये तो आपको याद ही होगा। कुंडलिनी के साथ जुड़ी हुई है एक कहानी। शिव पुराण के अनुसार एक बार पार्वती माँ ने अपने स्नान से पहले अपने देह पे हल्दी का बना उपटन लगाया था। उन्होंने उस उपटन को उतारने के बाद उससे एक पुतला बनाया और उसे जीवित कर दिया, और इस तरीके से पार्वती पुत्र गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी को जन्म देने के बाद पार्वती माँ स्नान करने चली गई, पर उन्होंने जाते जाते अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो किसी को भी इस द्वार के भीतर प्रवेश करने की अनुमति ना दे, और श्री गणेश ने खुशी खुशी अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। फिर हुआ कुछ यूं कि महादेव, जो कि दैत्य और असुरों का नाश करने के लिए ब्रह्मांड विचरण पे ही रहते थे, वो उसी दिन वापस आ गए, पर गणपति जी ने उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। महादेव ने उन्हें समझाया, पर भला गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के आगे किसी के सुनने वाले थे? तो महादेव और गणेश जी के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक युद्ध प्रारंभ हो गया। अत्यंत क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही माँ पार्वती स्नान घर से बाहर निकली और उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने सबको ये चेतावनी दी कि अगर उनके पुत्र को वापस जीवित नहीं किया गया
तो वो पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर देंगी। और ये चेतावनी एक माँ की थी। महादेव ने माता पार्वती का क्रोध शांत करने के लिए गरुड़ जी को ये आदेश दिया कि वो उत्तर दिशा में जाए और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही है उसके बच्चे का सिर काट कर ले आए। कई दूर तक पहुँचने के बाद गरुड़ जी को जंगल में एक हथिनी और उसका बच्चा दिखा। ये हथिनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी क्योंकि उसका शरीर ही कुछ ऐसा था कि वो अपने बच्चे की तरफ करवट करके शायद सो ही नहीं सकती थी। तो गरुड़ जी ने आज्ञा के अनुसार उस नवजात हाथी का सिर काट लिया और तब से श्री गणेश के घर पे उस जात हाथी का शीश है। अब इस पूरी कहानी में कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है माँ पार्वती, शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं आत्मा को और गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं मूलाधार चक्र को। कुंडलिनी शक्ति सिर्फ आत्मा के मिलन से ही जगाई जा सकती है, लेकिन इस कथा की ही तरह कुंडलिनी शक्ति का आत्मा से मिलन गणेश जी के इजाजत के बिना नहीं हो सकता। गणेश जी की उपासना करने से हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और इसके जागृत होते ही इंसान का मन, उसकी आत्मा उसके कंट्रोल में होती है। कुंडलिनी एक बहुत ही दिव्य शक्ति है, तो जरा एक बार सोचिए कि जो इतनी दिव्य शक्ति के रक्षक हैं वो खुद कितने शक्तिशाली होंगे। हमने बचपन से ही माय फ्रेंड गणेशा, बाल गणेश जैसी मूवीज देखी हैं और कोई शक नहीं है कि गणपति बप्पा हर बच्चे के फेवरेट भी होते हैं। पर क्या आपको पता है कि गणपति बप्पा का एक ऐसा साइड भी है जिसे हमने कभी देखा और सुना नहीं है? एक ऐसा साइड जो कोई पंडित, कोई पुजारी हमें नहीं बताता। ये वो चेहरा है जो सिर्फ अघोरी और तांत्रिक ही जानते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि तांत्रिक विद्या को हासिल करने के लिए लोग माँ काली की उपासना करते हैं, और बात सही भी है। पर क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के 32 अलग अलग रूप हैं और उन्हीं में से एक रूप ऐसा है जिसकी पूजा अघोरी और तांत्रिक करते हैं। उनके इस रूप का नाम है उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट का मतलब हिंदू धर्म के अनुसार होता है अशुद्ध। कहा जाता है खाना खाने के बाद जो खाना हमारे मुंह में रह जाता है उसे उच्चिष्ट कहते हैं। अगर उच्चिष्ट गणपति की छवि की बात करें तो मंत्र महार्णव के अनुसार उनका सिर भी हाथी का ही है और रंग लाल है। पर वहीं अगर हम उत्तर कमिकागम के अनुसार इनकी छवि देखें तो इनका रंग उसमें काला बताया गया है। ये चार भुजाओं वाले हैं, इनके शीश पे मुकुट है और ये त्रिनेत्रधारी मतलब तीन आंखों वाले हैं। पर इसमें गणपति के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है जो मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था और मुझे लगता है शायद आपने भी कभी नहीं सुना हो। गणपति जी के साथ एक देवी भी होती हैं जिन्हें विघ्नेश्वरी कहा जाता है। ये गणपति जी की बाईं जांघ पे विराजमान होती हैं और ये देवी आभूषणों से परिपूर्ण होती हैं। इन चतुर्भुज गणपति का चौथा हाथ देवी को स्पर्श करता हुआ दिखाया गया है। गणपति जी का ये रूप उनके 32 रूपों में से एक है और ये सेक्सुअल डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। लोगों के अलग अलग बिलीफ और इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। वैसे ही लॉरेंस कोहेन, एक एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर का ये मानना था कि उच्चिष्ट गणपति की सूंड उनके और देवी के बीच के सेक्सुअल बॉन्ड को दर्शाती है। उनका कहना था कि देवी अपनी गोद में एक मोदक से भरी थाली लेकर बैठती हैं, जिसे खाते हुए गणपति अपनी सूंड से देवी की योनि तक पहुंचना चाहते हैं। उच्चिष्ट गणपति को समर्पित एक मंदिर तिरुनेलवेली में मौजूद है जहां उन्हें संतानदाता के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं कई तांत्रिकों का मानना ये है कि उच्चिष्ट गणपति की आराधना से उनकी कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है और जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिसका इफेक्ट बहुत ही बड़ा होता है। वामाचार यानी तांत्रिक प्रथाओं के अनुसार उच्चिष्ट गणपति की पूजा तब की जाती है जब भक्त उच्चिष्ट यानी धार्मिक रूप से अशुद्ध होता है, यानी जब वो नग्न अवस्था में होता है या उसके मुंह में भोजन के अवशेष होते हैं। पर जहां दिन है वहीं रात भी है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। कई लोग इनकी पूजा गलत इरादों से भी करते हैं, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को अचीव करने के लिए, किसी को अपनी तरफ गलत तरीके से आकर्षित करने के लिए, किसी को पैरालाइज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक कि किसी की जान लेने के लिए भी उच्चिष्ट गणपति की पूजा की जाती है। आजकल हम आए दिन किसी न किसी से काला जादू के किस्से सुनते रहते हैं। लोग सारी हदें पार कर देते हैं किसी की हस्ती खेलती जिंदगी को खराब करने के लिए। लोगों को असॉल्ट करना, उनके साथ बुरा बर्ताव करना, उनसे उनकी खुशियाँ छीन लेना, कितना अजीब है ना। जहाँ दुनिया में हर चीज का अच्छा और बुरा साइड होता है, वहीं जिन लोगों की फितरत ही खराब होती है वो हर चीज से बुरी सीख ही लेते हैं। धर्म कितना कुछ सिखाता है पर गलत चीजें सीखने वाले को धर्म से क्या ही मतलब, और ये एग्जाम्पल्स इसका साक्षात प्रमाण है। अभी लगभग 6 महीने पहले ही हम सब के सामने एक ऐसा केस आया जिसने हर किसी के दिल को बहला कर रख दिया।
मार्च 7, 2023 को महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट के सोंडाना विलेज में एक 27 साल की महिला ने अपने पति और इन-लॉज के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसका कहना ये था कि उसके घर वाले उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते थे और गणपति जी के पूजा के वक्त अक्सर उस लड़की के पति और इन-लॉज जबरदस्ती उसे बांधकर उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड लेते थे, जिससे वो तांत्रिक प्रक्रियाएं करते थे। उस महिला का कहना ये भी था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसे 3 दिन तक भूखा रखा जाता था और उसका ब्लड लेकर अघोरी प्रैक्टिसेस के लिए गणपति को चढ़ाया जाता था, और वो ये सब कुछ पिछले 4 सालों से भी ज्यादा से बर्दाश्त कर रही थी। उस लड़की के इन-लॉज के खिलाफ केस दर्ज किया गया अंडर द महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन Evil and अघोरी practices and Black Magic Act। इस कहानी को सिर्फ सुनने से ही रूह कांप जाती है। जरा सोचिए, ये एक कहानी हमारे सामने आ गई, वो भी तब जब एक इंसान ने ये जुल्म 4 साल से भी ज्यादा बर्दाश्त किया। लेकिन ऐसी ना जाने कितनी कहानियां और होंगी जो हमारी जानकारी से बहुत दूर है। ना जाने कितने घर उजड़ रहे होंगे, कितने लोग मर रहे होंगे और कितनी जिंदगियां तबाह की जा रही होंगी सिर्फ अपनी नफरत, अपने मतलब और अपने लालच के लिए। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक स्क्रिप्चर्स में दिए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स को और कई ऐसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को गलत नहीं माना जाता। जो लोग इस विद्या में मानते हैं वो भगवान की शक्तियों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। लेकिन शक्तियों को देखने का नजरिया अलग होना एक हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उन शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके किसी की जिंदगी खत्म कर देना, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये कहानी सुनकर समझकर आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज जरूर देना, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में वाकई स्क्रिप्टिंग के रिसर्च से लेकर शूट, एडिट, इस सब में बहुत मेहनत लगती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी इस मेहनत को सराहते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बिजनेस, फाइनेंस, माइथोलॉजी और लाइफ से रिलेटेड आती रहेंगी। तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस दोज वैल्यूएबल कॉन्टेंट, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि अभी हमने जाना कि हमारे नटखट गणपति के कुछ फियर्स और डार्क साइड्स भी हैं, और हमारे धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनमें गणपति जी के भयानक रूप को दिखाया भी गया है, उसके बारे में बात भी की गई है। तो आज ऐसी ही एक कहानी की बात करते हैं। ये कहानी प्रमाण है इस बात का कि जब अज्ञानता दिव्यता पर हावी हो जाती है तब असुर खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ था अनल असुर के साथ। अनल असुर एक ऐसा असुर था जिसके आंखों और मुंह से भयंकर आग निकलती थी। इस दानव ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पृथ्वी पे मौजूद हर प्राणी का जीना दुश्वार करके रखा था। जो भी इसके सामने आता था उसे वो अपनी आग से जलाकर भस्म कर देता था, और जितनी तेजी से इसकी आग फैलती थी उससे भी कई तेजी से इसका डर लोगों में फैलता जा रहा था। इसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं और मुनियों ने मिलकर भगवान शंकर से आराधना की ताकि वो उन्हें इस राक्षस से बचा पाए। उनकी आराधना देकर शिवजी ने उन्हें कहा कि इस असुर का अंत तो केवल गणपति ही कर सकते हैं। तब सभी देवता और मुनिगण गणेश जी के पास पहुंच गए और उनसे इस असुर का विनाश करने की विनती करने लगे। गणेश जी ने अनल असुर को समझाने की कोशिश की, उससे बातें की, उससे पूछा कि आखिर उसकी परेशानी क्या है, पर हम सब ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अनल असुर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। घमंड में चूर अनल असुर ने गणेश जी की बात को सुना तक नहीं और उन्हें साफ मना कर दिया कि वो अपना अत्याचार कम नहीं करेगा, और साथ ही उसने गणेश जी को चुनौती भी दी कि अगर वो सच में ये रोकना चाहते हैं और उनमें हिम्मत है तो वो इस असुर से आमने सामने की लड़ाई कर ले। अब शस्त्रों से तो उसे हराया जा नहीं सकता था क्योंकि उस पे शस्त्रों का कोई असर नहीं होता था, इसलिए गणेश जी ने अपने आप को उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा कर लिया और उससे लड़ने लगे। एक एक करके उस पे प्रहार करने के बाद गणेश जी ने अपना मुंह खोलकर उस अनल असुर को एक ही बार में निगल लिया और अनल असुर का वध कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अनल असुर को निगलते ही गणपति जी के शरीर से आग निकलने लगी, उनका शरीर जलन से तड़प उठा, और गणेश जी को परेशान देकर वही सारे देवता और मुनिगण जो उनसे मदद मांगने आए थे वो भी परेशान हो गए। और फिर गणपति जी की मदद करने के लिए दुर्वा नाम की घास लाई गई। ये एक ऐसी घास है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, साथ ही साथ इसमें एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। इस दुर्वा से गणेश जी को राहत मिली और तब से ही गणपति जी को हर पूजा में उन्हें ये दुर्वा चढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है। हमारे सनातन धर्म में
कई देवी देवता हैं जिनको हम पूजते हैं। जब हमें मन को शांत करना होता है तब हम शिव जी की पूजा करते हैं। जब हमें विद्या चाहिए होती है तब हम माँ सरस्वती को पूजते हैं। जब वीरता चाहिए होती है तब हनुमान जी की आराधना की जाती है। लेकिन जब हमें अपने विघ्नों से छुटकारा चाहिए होता है तब हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या विघ्नहर्ता गणेश के जीवन में कभी विघ्न नहीं आए होंगे? तो आइए इसका जवाब जानने के लिए भी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। क्या आप सबको ये पता है कि महाभारत किसने लिखी है? वेदव्यास जी ने? जी नहीं, महाभारत लिखी है स्वयं गणपति जी ने। हाँ, सही सुना आपने। चलिए एक बार पूरी कहानी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को महाभारत लिखने की जिम्मेदारी दी, पर ये कार्य शुरू करने से पहले वेद व्यास जी को खोज थी किसी ऐसे की जो उनके बोलने की स्पीड के साथ साथ लिखता चला जाए। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि इस काम में उनका साथ गणपति दे सकते हैं। गणपति जी महाभारत लिखने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने वेद व्यास जी के सामने एक शर्त रखी। वेद व्यास जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि जब वेद व्यास जी महाभारत की कथा बोलने लगेंगे तो वो फिर रुक नहीं सकते, पूरी कथा बिना रुके बोलनी पड़ेगी। वेद व्यास जी ने ये शर्त मान भी ली, पर उन्होंने इस शर्त के बदले में अपनी एक उल्टी शर्त रख दी। उन्होंने गणपति जी से कहा कि गणपति किसी श्लोक को बिना समझे लिखेंगे नहीं, और फिर हुई शुरुआत महाभारत लिखने की। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। दोनों अपनी शर्तों पे टिके हुए थे कि तभी एक वक्त ऐसा आया कि लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई, पर वो रुक तो नहीं सकते थे क्योंकि वेद व्यास जी भी अपने वचन से बंधे हुए थे। तो गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू किया, और इस तरह से उन्होंने महाभारत की कथा को अपने दांत से लिखकर समाप्त किया, और तभी से इनका नाम एक दंत यानी एक दांत वाला है। तो इस कहानी को जानने के बाद क्या लगता है आपको, गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? उन्हें विघ्नहर्ता इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आए, बल्कि उन्हें विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमें हमारे जीवन के विघ्नों को दी एंड मान लेना नहीं, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढना सिखाते हैं। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में काफी सारी नई बातें जानने को मिली होंगी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। गणपति बप्पा जो हम सबके घर में रहते हैं, जिनकी हम हर कार्य से पहले पूजा करते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा तो बहुत है पर हमें पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। ये वीडियो सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि बहुत जरूरी है ये जानना कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं और किसी पर्टिकुलर तरीके से ही क्यों करते हैं। जब तक हमारा ज्ञान पूरा नहीं होगा ना, तब तक हम कभी अपने धर्म के बारे में सही से बात नहीं कर पाएंगे। तो आइए मिलकर चलते हैं एक कदम जानकारी की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जानते रहिए, सीखते रहिए। जय श्री राम।